एक बार फिर हाजिर है एचपी लाइव टीवी से। ये मेरे वतन अजीज का मामला है और 14 अगस्त 1947 को जब ये वतन आज़ाद हुआ, आज हम लोग 75वीं सालगिरह मना रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरे कब में, और 14 अगस्त के झंडों से ये सारा समा हरा और सफ़ेद नज़र आ रहा है और आपको लिए चलते हैं बगैर ताखिर के। सलामुअलैकुम, बताइएगा रिजवान भाई कि आज आए अपनी फैमिली के साथ, पुर रौनक और पुरजोश नज़र आ रहे हैं, शेयर कीजिएगा हमारे देखने वाले जी। बस क्या करें, हम 14 अगस्त की तैयारी के लिए आए हैं सर। देख लें, हम अपने बच्चों को भी दिला रहे हैं, बच्चों देखते हैं अभी बैजेस वगैरह झंडे। अभी तो सिर्फ ये बाजा लिया है जो सब बच्चों के पास होता है। झंडा वगैरह लेने का मूड है, उसके साथ साथ कोई बड़ा हैंडसम कोई खर्चा कराना है पापा का, 14 अगस्त पे नारा लगाना है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देंगे। जिंदाबाद। रिजवान भाई ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं कि पिछले जो साल गुजरा है हमारा कोविड-19 का, वो बेहतर था या ये बेहतर है? ये भी बेहतर है, वो भी बेहतर ही था, जब भी लोगों ने बनाया अब भी लोग बना रहे हैं। थैंक यू। भाईजन भाईजन बताएंगे कि 14 अगस्त पे क्या दिलाने के लिए आए हैं बच्चों के, हमारा आए हैं बच्चों को पाकिस्तान के करने का इरादा है, पाकिस्तान के झंडे वगैरह दिलाने आए, पाकिस्तान की जो ना 14 अगस्त जोश खरोश से मनाने के लिए आए हैं यहाँ पर सामान खरीदने। कौन कौन आपके हमारा है, कौन आपके? ये मेरी तीन, एक आयशा, एक नाम बताएंगे बेटा इधर, क्या नाम है आपका? फातिमा। ओ फातिमा भी आई है भाई, उसके साथ साथ आपका नाम? आयशा। आयशा भी आई है, यार ये तो अच्छा हो गया। आप बताएंगे? इफ्रा। ओहो यार, ये तो नन्हे फूल आए 14 अगस्त मनाने के लिए। आप देखें, मुझे अपना बचपन याद आ गया जब हमारे अब्बा जान इसी तरह आया करते थे। कुछ पुराने जो तजर्बात हैं शेयर करें, जब आप इस एज पर थे 14 अगस्त क्या इसी तरह होती थी या यही फीलिंग होती थी या डिफरेंट होती थी? बताएं। बिल्कुल ऐसी होती थी। क्या था, अब्बा जान इसी तरह लेके जाते थे? बिल्कुल, हमें भी ऐसी वाले साहब हमारे मोटरसाइकिल पर लेके जाते थे, ऐसे ही दिलाते थे सामान वगैरह सब जी। नहीं माशाल्लाह से माशा बहुत ज़बरदस्त सिलसिला नज़र आ रहा है 14 अगस्त के हवाले से, और ये हमारे कौम के हर बंदे को इसी तरह से मनाना चाहिए जिस तरह से आज मनाई जा रही है। और इंशाल्लाह हैदराबाद में तो खैर बड़े शौक से, कराची है और हैदराबाद में तो बड़े धूम से मनाई जाती है 14 अगस्त को। मैं इसके लिए पूरे पाकिस्तान में वो करूँगा कि पूरे पाकिस्तान में इसी तरह मनानी चाहिए 14 अगस्त को, क्योंकि ये हमारी एक बहुत बड़ी कुर्बानी का सिला है जो हमारे पिछले लोगों ने कुर्बानी दी, कई लाख की कुर्बानी देने के बाद में हमारे को आज़ादी नसीब हुई है। मैं आज अपने शहर हैदराबाद को, ख़ास तौर पर हैदराबाद शहर को इस बात की मुबारक दूँ, 75वीं आज़ादी मुबारक हो सबको मेरी तरफ से। मेरा नाम नासिर ज़िया देसवाली है, मैं सबका वाइस चेयरमैन हूँ UC 61 से जी। पाकिस्तान। नासिर भाई ये देखें कि आज ये ईद का समय है, आप देख रहे हैं हर चेहरा पुर रौनक है और हर चेहरे पे एक रौनक का समय है। ये ईद से बढ़कर भी ईद है, हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियाँ दी उसके एवज हमें मिला वतन अजीज पाकिस्तान। नो डाउट कि हम जो अभी खसारे में हैं, क्या समझते हैं, क्या होप है कि आगे हम चलकर इस परेशानियों को शिकस्त दे पाएंगे? इंशाल्लाह ये हमारे कौम पे डिपेंड करता है, अगर कौम हमारी थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा कन्नात पसंदी पे आ जाए, कुछ सिलसिला ऐसा आएगा कि हालात तो मुल्क के हैं जो भी कंडीशंस में है ना, लोगों को भी थोड़ा सा चाहिए कि अपने अंदर थोड़ी सी इंसानियत पैदा करें, जो खुद साथ महंगाइयाँ कर देते हैं उन चीज़ों से भी परहेज़ करें, लोगों का ख्याल करें इस हवाले से कि भाई गुर्बत बहुत बढ़ चुकी है, उसका रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और हम यहाँ पर खुद साख्ता महंगाई करके और लोगों को पीस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, बताइएगा क्या 14 अगस्त 1947 को जो वतन अजीज आज़ाद हुआ उसके लिए क्या जज्बा, क्या कहना चाहेंगे? अपनी कौम के लिए बड़ा जज्बा है, 14 अगस्त ये पाकिस्तान बना उसने इसीलिए है, बच्चों की तैयारी के लिए आए 14 अगस्त की शॉपिंग के लिए। क्या दिलाएंगे इसको, क्या क्या लेने आई है ज़रा बताएं हमारे लिए? झंडा भी लेने आई है, कैप भी लेने आई है, कपड़े भी लेने आई है, सारी चीज़ें लेने हैं, बैज वगैरह सारी चीज़ें लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त आज 75वीं सालगिरह है जो हमें बड़ी खुशी का सामान है। इसमें हमें चाहिए हर पाकिस्तानी को बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जिस तरीके से हमने अभी फ्लैग वगैरह परचेज किए हैं, लोग घरों पे झंडियां लगाएं, खुशियां मनाएं, आपस में मिठाइयां तकसीम करें, इससे मोहब्बत में इजाफा होता है।
और अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह मुल्क का हाफिज व नासिर रहे। अस्सलामुअलैकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। मामू बताइएगा कि 14 अगस्त के हवाले से क्या खरीदना है, क्या जज्बा है, शेयर करें हमारे देखने वालों को। जाहिर है कि 14 अगस्त जो है हमारा कौमी दिन भी है और हम पाकिस्तानियों के लिए ये एक ईद का सा समा है और हमारे लिए जश्न आज़ादी का भी दिन है, तो उस मुनासबत से इस आज के इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एक अच्छे से अच्छे अंदाज में। उसमें घरों पर हम झंडे लगाते हैं और आज जो मैं आया हूँ वो यहाँ झंडे ख़रीदने आया हूँ। दूसरे मेरी पोती है छोटी, उसके लिए जो है वो जो मैं आज़ादी के इस मुनासबत से और पाकिस्तान के झंडे की मुनासबत से जो है ड्रेस वो मैं लेने का इरादा रखता हूँ और कोशिश है कि इंशाल्लाह आज के दिन को हम बहुत ही शानदार तरीके से मनाएं, इसलिए कि ये दिन वो दिन है जो 75 साल पहले हमारे आबा व अजदाद ने जिसके लिए कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को बनाया। ज़ाहिर 20 लाख अफराद की कुर्बानियाँ जो हैं वो कोई ऐसे नहीं थी कि एक बड़ा मकसद था उनके सामने और उस मकसद को उन्होंने हासिल भी किया, लेकिन अफसोस कि आज वो शायद उनके वो ख्वाब पूरे नहीं हुए। हम आज भी आज़ाद नहीं हैं, हम नाम के लिए तो आज़ाद हैं लेकिन हमारे साथ जो पाबंदियां हैं जो इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस हिसाब से हम आज़ाद नहीं हैं। हमें आज़ाद होना पड़ेगा ख्यालात के एतबार से, फिज़िकली हमें आज़ाद होना पड़ेगा, इस मुल्क के अंदर होने वाले फ़ैसलों के लिए हमें आज़ाद होना पड़ेगा, तो आने वाली कौम और आने वाली हमारी जो नस्ल है हम उसका बेहतर मुस्तकबिल दे सकेंगे। क्योंकि स्कूल के अंदर प्रोग्राम है उसके हिसाब से शॉपिंग कराने आए थे हम लोग। और क्या नाम है बच्चों का ज़रा बताएं मुझे? फातिमा नाम है। अपना नाम बताएं बेटा। फातिमा। क्या करते हैं, पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास में? फोर। बोर्ड में। और आप भी पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। आज क्या कहना चाहेंगे, छोटा सा मैसेज दें अपने वतन अजीज की आज़ादी के मौके पर? क्या बस अल्लाह पाक जिस क्राइसिस से चल रहा है अभी मुल्क, जिस क्राइसिस में चल रहा है, बस उस क्राइसिस से निकले और हमारी खुशी हमेशा बहाल होना। भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब बताइएगा जो साल लगाते हैं हर साल लगाते हैं, आज इस साल में क्या डिफरेंट है, क्या नया देख रहे हैं जी बताइएगा? यार कारोबार बिल्कुल नहीं है, हमारी ये दुकान है भाई एक महीना हो गया किराया नहीं निकल रहा, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है यार, यकीन मानो जैसे आ रहा है ऐसे ही जा रहा है। उन भाई से पूछो बिल्कुल कारोबार नहीं है, एक तो बरसातों ने तंग किया हुआ, दूसरा यहाँ गटर का पानी भर जाता है यार, बिल्कुल कारोबार नहीं है, बैठे हुए हैं भाई। मैं इमरान खान के लिए एक मैसेज देता हूँ और शिवाज शरीफ के लिए और बिलावल भुट्टो के लिए ख़ास तौर पर, कि आप पकड़म पकड़ाए वाला खेल छोड़ें और चोरमचारी वाला छोड़ें, अवाम को देखें अवाम क्या कर रही है, क्या उसके बाद खाने गए क्या पीने गए, ये तो तुम्हें आपस को बताए किसने किसका लूटा हुआ है और किसने किसका नहीं लूटा हुआ। मैं आलम शेरवानी अंजुमन जनरल सेक्रेटरी अंजुमन शहदाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 14 अगस्त क्यों ना मनाया जाए, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी गई और इसको जितने अभी भी कम मनाते हैं लोग, सब लोगों को मनाना चाहिए, परचम कुशाई करनी चाहिए पाकिस्तान की, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद कहना चाहिए और तमाम लोगों को जो है इससे बड़ी कोई नहीं, हमारी पहचान ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान का नाम झंडे, पाकिस्तान का जो झंडा है हरा और सफ़ेद, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स के नाते भी और दीनी हवाले से भी दुनियाई हवाले से भी इस परचम को जो है अल्लाह ताला बुलंद रखे और पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। 14 अगस्त जितनी भी धूमधाम से मनाई जाए कम है और परचम कुशाई करनी चाहिए, परचम लगाने चाहिए और लाइटिंग करना चाहिए अपने घरों पर और तमाम जगहों पर जो है लोगों को खुशी का इजहार करना चाहिए। मैं यूथ वेलफेयर सोसाइटी से तालका लतीफ़ाबाद का चेयरमैन दानिश गिल, और 14 अगस्त हमें उतना ही जोशो खरोश से मनाना चाहिए कि जैसे हम ईद मनाते हैं, और ये दिन हमारी पहचान का दिन है, ये दिन हमारे को आपस में रवादारी और मोहब्बत का मैसेज देता है, और जैसे दूसरे मजाहिब के लोग मनाते हैं जोशो खरोश से, हमें इससे ज़्यादा भरपूर तरीके से मनाना चाहिए, और हम इस चीज़ की पहचान है हमारी 14 अगस्त का दिन कि हम एक आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जैसे हम जोशो खरोश से ये दिन मनाते हैं, ये हमारा मैसेज जाना चाहिए दुश्मन मुल्कों को भी कि हम अपने वतन अजीज से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम उसकी सॉवरेंटी पर कितना ईमान रखते हैं, हम उसके साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, और ये मैसेज हमारा तमाम जो मजाहिब हैं वो
कान खोल के सुन लें, पाकिस्तान हमसे है और हम पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली आँख उठा कर देखा तो हम उसको नेस्तो नबूद कर देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त के हवाले से तैयारी हमारे आज़ाद जूनियर पैनल की तरफ से 14 अगस्त हम जोश व खरोश से मनाना चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जोश व खरोश के साथ इसको मनाएंगे और अपने महल्ले को और अपने इलाके को बहुत खुशियाँ देना चाहते हैं हम, और इसके लिए हम बहुत कोशिशें कर रहे हैं और आप लोग दुआ कीजिएगा कि हमारी ये कोशिशें कामयाब हों। नारे पाकिस्तान, जिए पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैसल अफजल ख़ान, अब्दुल कादिर इंटरप्राइज़ का ओनर। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हमने आज़ाद किया और इसकी आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हमने हासिल किया है। पाकिस्तान नुबुल वतन को जितनी आवाम है पाकिस्तान की उसको बढ़ चढ़ कर इसको जश्न बनाना चाहिए। ईद की तरह से हमें इसको इंजॉय करना चाहिए। घर, ऑफिस, चौराहें, हर चीज़ सजानी चाहिए। इसको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और मैं बोलता हूँ पाकिस्तानी आवाम से इसको अब सेलिब्रेट करें, इसमें अपने अपने इलाकों को सजाएं। पूरे पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ कि पूरे आवाम को सजाएं और फ्लैग इसमें परचम कुशाई करें और फ्लैग लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।